लगता है हम यही समझ नहीं आए कि किसान जितनी मेहनत करता है उतना मिलता नहीं हमको, नहीं मिलता जी हमको, इतनी मेहनत लगती है दाम मिल रहा है उतना, तो अब क्या पता है हमको, जो यहाँ लाते हैं दुकानदारों की सुननी है भाई ये रेट है, ये पूरे साल की कमाई हमारी, और अब इनके जुबान से सुनने हमने क्या दे मिलेगा हमको, यही हमारी कमाई हमारी मेहनत, और सुनना आपके इनके लाला लोगों को जुबान से भी पैसे मिलेंगे आपको, हमें तो और कहाँ डालेंगे फिर, मिल ही नहीं रहा कुछ नहीं, 84 रुपया 86 रुपया 86। अरे तो इस साल तो जमीन है, बारिश तो हुई नहीं, गर्मी में सारी सूख गई, ये कम है इस बार करीबन 2 क्विंटल लाए, जितना बोल दिया उतने में देनी हमने। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। आज हम पहुंचे हैं विकास नगर सब्जी मंडी में, विकास नगर मंडी में, जहां पर ना केवल उत्तराखंड के किसान पहुंचते हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर से भी किसान पहुंचते हैं, ना केवल गिरिपार आंच भोज से पहुंचते हैं बल्कि आप यकीन मानिए कई बार किसान जो है नाहन से भी पहुँचते हैं। बड़ी मंडी है जौनसार बाबर की, तो एकमात्र मंडी है, यहाँ पर पहुँचते हैं जौनसार बाबर से लोग, और इन दिनों हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, भिंडी, गोभी, कद्दू, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर किसान अपनी मेहनत करके उगा करके लेके आ रहे हैं। बात करेंगे किसानों से कि आखिर कितनी लागत होती है, कितनी मेहनत होती है, और यहाँ पर जब उस फसल की बोली लगती है तो फिर क्या किसान निराश होता है, या फिर उसे लगता है कि हाँ मुझे मेरी मेहनत की कमाई, मेहनत के पैसे वसूल हुए हैं। इसी बात को समझने के लिए हम जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में ज़रूरी हो जाता है आम लोगों से, किसानों से बात करना, ना केवल उन किसानों से जिनकी कई बीघा तक प्लेन के किसान हैं, मैदानी क्षेत्रों के, बड़ी बड़ी उनके पास मशीनें होती है, और बहुत बड़े किसान जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन ऐसे किसानों को भी जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक तरीके से फसल उगाते हैं फिर लेकर आते हैं, तो उन्हें क्या दाम मिलता है, बात करेंगे यहाँ पर कई किसानों से। हिमाचल पांवटा साहिब से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी, और इधर हिमाचल बॉर्डर से यमुना और टोंस के संगम से मात्र 10 किलोमीटर के दायरे पर ये मंडी है, यहाँ से देहरादून 30 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। तो आइए किसानों से बात करते हैं, और किसान यहाँ पर अदरक लेकर पहुँचे हैं। सर क्या नाम है आपका? मुंशी राम। कहाँ से आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से? बनौर से। अच्छा, बनौर से आए हैं। घरेलू अदरक है। बोली लग गई है कि अब लगी? लगी नहीं बोली अभी तक। क्या रेट चल रहा है फिर भी? पता नहीं, हमें तो पता नहीं, मैं तो पहली बार लाया यहाँ पर, तो रेट कुछ नहीं है, रेट क्या मेरा ये बोले 1900-1800, इसमें क्या पड़ता पड़ने हम लोगों को। क्या लगता है, हम यही समझ नहीं आए कि किसान जितनी मेहनत करता है उतना मिलता नहीं हमको, नहीं मिलता जी हमको, मिलता नहीं, ये पूरे साल की कमाई हमारी, और अब इनके जुबान से सुनने हमने क्या दे मिलेगा हमको, हमारी कमाई हमारी मेहनत, और सुनना आपके इनके लाला लोगों को जुबान से भी पैसे मिलेंगे आपको इस माल के, और देना पड़ेगा मुझे। देना पड़ेगा हमें तो, और कहाँ डालेंगे फिर, कच्चा माल कहाँ ले जाएंगे, हमें तो मिल ही नहीं रहा कुछ नहीं मिल रहा। और क्या फसल चली हुई अभी आपके? भाई ये मिर्च है, टमाटर है, अरबी है, पर हम निर्भर अदरक पे ही है, हमारा निर्भर है, और अदरक का रेट नहीं है, अभी आप भी सुनते रहे यहाँ पे, ज़्यादा 900 रुपये लेंगे ये लोग। 900 रुपये में कितना मण? 40 किलो। 40 किलो यही है, इनसे जुबान से सुनना पड़ता है, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, अब सुनना आप इनसे ये पैसे मिलेंगे आपको, इसको हम क्या कर सकते हैं, कहाँ डालेंगे इसको। कहने का मतलब यही कि किसान तय नहीं कर पाता है अपनी फसल का के रेट की, ना हमारे साथ कोई सरकार तय करती है, अब हमें तो इन लाला लोगों का सुनना है। तो आपके तो हिमाचल में चुनाव भी है, क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है, माहौल तो अभी तक इतनी खास प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। किसका माहौल? माहौल तो इस टाइम खास बोल नहीं सकते किसका है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? गासी से आए। गासी कहाँ पढ़ाई है? ये लखवाड़ साइड। अच्छा, लखवाड़ साइड से। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो कम से कम 20 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो हरी मिर्च आपने लाई है? हाँ। कितने जमीन पे लगाई है, कितने खेतों? अरे तो इस साल तो जमीन है, बारिश तो हुई नहीं, गर्मी में सारी सूख गई, ये कम है इस बार, कम है। फिर भी कितनी लेके आए अभी? अभी करीबन 2 क्विंटल लाए। क्या लगता है जितनी मेहनत लगती है दाम मिल रहा है उतना? तो अब क्या पता है हमको, जो यहाँ लाते हैं
दुकानदारों की सुननी है भाई ये रेट है, अपने आप तय कर नहीं पाए, अपने आप तय कर नहीं पाते, जितना बोल दिया उतना, जितना बोल दिया उतने में देनी है हमने मेहनत तो काफी, मेहनत चाहे हो ना हो लेकिन जो बोल दिया आड़ती ने वही में देनी है हमने, हमें अनुभव नहीं आगे जाने का, कोई अनुभव नहीं, यहाँ कोई बाहर से खाए का आता नहीं। अच्छा तो अभी मिर्ची लेके आए, और क्या है आपके गांव में, क्या फसल चली हुई? थोड़ी गगली अदरक है, थोड़ी थोड़ी सब छोड़ रहे हैं सब। क्या हिसाब लगा आज इसका, कितना इसका? 2000 रुपये मन मन 40 किलो, 2000 रुपये, 2000 इस बार, ये भी नहीं तो पिछले साल 1100-1200 दी। कितने महेंद्र जी कैलकुलेशन करो, कितने रुपये किलो बैठी है? 50 रुपये किलो बैठी है, 50 रुपये किलो मिली है। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये दोस्तों गागली है, अरबी, अरबी की सब्जी है, इसके रेट लग रहे हैं 900 रुपया, 40 किलो का रेट लग रहा है ये, 40 किलो, 900, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 900 रुपया, लूट लिया, 900 रुपया, अरे चुरा है, 900, जाना जी, जाना, 910, 911, 911, 911, 911, जाना जी, ये मैं बता दूं आपको, ये 40 किलो का रेट तय हो रहा है, 921, 921 तक पहुंच चुका है, आप सेब ही खरीदते हैं यहाँ पर है? जी, तो कहाँ कहाँ से अभी पहुँच रहे हैं सेब? सेब फिलहाल कश्मीर से आ रहा, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल का एंड हो गया। अच्छा जी,
तो जो ये कश्मीर से सेब आ रहा हाँ। ये पेटी चल रही 300, 400, 500 इससे ऊपर नहीं 600 ज़्यादा महंगा। ये तो सस्ता है फिर, मैं कश्मीर का तो बताते हैं सबसे महंगा होता है। नहीं कश्मीर का सस्ता है, हिमाचल का महंगा हुआ। हिमाचल का तो ये है कि जब स्टार्टिंग होता है तो 400-500 से स्टार्ट पेटी 1,000-1,500-2,000 तक बिकती है बढ़िया सेब। वह उसके बाद जब ये कश्मीर चल पड़े तो इसमें फिर हिमाचल की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बिकता नहीं फिर। हिमाचल की जो आजकल वैल्यू है वो है 500-600 ज़्यादा ज़्यादा 800-900 रुपये बढ़िया सेब, इसके आगे बिकता नहीं हो। और ये सेब कौन सा बढ़िया रहता है, कश्मीर का अच्छा होता है? सेब तो दोनों ही बढ़िया, फ़र्क इतना है कि हिमाचल का जो सेब है उसमें तो रस होता है, यो मीठा होता है ज़्यादा, इसमें रस नहीं होता। तो यहाँ से फिर आप कहाँ बेचते हैं सेब? यहीं बेचते हैं? नहीं यहीं बेचते हैं, बाहर बूर नहीं बेचते, यहीं बेचते हैं। फुटकर वाले आवे, ठेली वाले, वो अपना ले जा लें 10-10 15-15 पेटियाँ, बेच बूझ के अगले 2 दिन के बाद आ जाऊँ पर्चा देने।